हेलो गाइस, वेरी गुड आफ्टरनून. नहीं, अभी तो गुड मॉर्निंग ही हो रही है. हाँ, मैं 8 मिनट लेट हूँ, बट कोई बात नहीं. कुछ काम घर के अटक जाते हैं, क्या कर सकते हैं. ओके, लेट्स स्टार्ट दी सेशन. हमारे पास ज़्यादा टाइम आज नहीं है, बिकॉज हमारी लाइट जो है ना, आज बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रही है जस्ट बिकॉज ऑफ रेनिंग. एंड यहाँ पे ऐसा ही रहता है, जब बारिश होती है तो सबसे पहले लाइट चली जाती है. आई वंडर कि ये अभी तक नहीं गई है, बट ये कभी भी जा सकती है. तो आई डोंट वॉन्ट टू वेस्ट माई टाइम, सो आई जस्ट वॉन्ट टू स्टार्ट दी एक्सरसाइज. लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट वी विल डू दी कार्डियो, ओके, देन वी विल डू दी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग. सो आज हम थोड़ा डिफरेंट कार्डियो करेंगे. आज हम हाई नी वाला कार्डियो करेंगे, ओके, लाइक दिस. सो वी हैव टू डू 50 इन टोटल, 25 फॉर ईच लेग. ओके, हैंड्स आपके ऐसे ही रहेंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. रिलैक्स. ओके, फैन ऑन कर देती हूँ, बहुत ज़्यादा सफोकेशन हो रही है. ओके, आज भी हमारी बिल्डिंग में रेनोवेशन का काम चल रहा है किसी के फ्लैट में, तो आज भी वो ठक 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 की आवाज़ आ रही है. इट्स ओके. इस कैमरा है राधिका. ओके, सो हम अपनी डंबल एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं. हमारे पास टोटल 7 एक्सरसाइजेस हैं. हेलो. एंड जिसमें हम फर्स्ट करेंगे डंबल रिवर्स ग्रिप कॉन्सेंट्रेशन कर्ल्स, जो कि हमारी बेंच पे बैठ के होगी और हमारी एक डंबल से होगी. ओके, वाइडर योर लेग. Leg will be on under the 90 degree of the angle. Okay. Now, आपको इस तरीके से अपना हाथ रखना है. मैं इस कैमरा को ढंग से सेट करूँ. Yeah. It's good now. Okay. So अपने हाथ को इस तरीके से, दूसरे को हाथ को इस तरीके से, डंबल ऐसे. Okay. ये रिवर्स है तो रिवर्स में जाएंगे. स्टार्ट करेंगे 15 × 4. 15. Okay, next hand, one repetition done for both hands. Second repetition, start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.
राधिका आप क्या बोल रहे हो? रेणुका, मेरी नवंबर 28 को शादी है, सो तब तक मेरी बॉडी आपके जैसी होगी क्या? नवंबर, जुलाई है ना, जुलाई चल रहा है ऑलमोस्ट, अब दो दिन बचे हैं खाली। और देखो, मेरे जैसी का मुझे नहीं पता, बिकॉज आई हैव नॉट सीन यू कि आप कैसे दिखते हो, बट यस, अगर आप मेरे को अपने जैसा देखना चाहते हो तो बी कंसिस्टेंट आज से ही, और अपनी डाइट पे प्रॉपर ध्यान देना, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना, ठीक है, एज मच एज पॉसिबल आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है। मैं कार्डियो थोड़ा कम प्रेफर करती हूँ, बिकॉज कार्डियो में ना आपका वेट बहुत ज़्यादा लूज होता है, और मुझे वेट लूज पे नहीं फोकस करना है, मुझे मेरे फैट लूज पे फोकस करना है। तो बेसिकली जो मेरा एम होता है अपने लिए, वो होता है फैट लूज करना, ना कि वेट लूज करना, बिकॉज मेरी बॉडी अपने आप वेट उतना ले लेगी जितना मेरी बॉडी में रिक्वायरमेंट होगी, ओके। बट जो एक्सेसिव फैट होता है वो हमारा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से जाता है, दैट्स वाई मैं धीरे धीरे रिड्यूस कर रही हूँ, मेरा जो फैट है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, पूरे 5 महीने लगा लो आज से, क्योंकि 28 को शादी है तो आज ही 28 है, तो पूरे 5 मंथ्स आपके पास हैं, जिसमें आपको 1 मंथ शायद आपकी शादी की प्रिपरेशन में भी लगेगा। बट मेक श्योर कि आप टिल योर मैरिज, अगर आपको सिर्फ मैरिज एक पर्पज़ है फिट होने का, तो टिल मैरिज तक आप स्वीट्स को इग्नोर कर दो बिल्कुल कम्प्लीटली, अपनी लाइफ से स्वीट्स का नाम मिटा दो, और सिर्फ फ्रूट्स में स्वीट्स लो, जो सीजनल फ्रूट्स होते हैं वो खाओ एज अ स्वीट, स्वीट या फिर एज अ स्वीटनर।
या फिर आप ड्राई फ्रूट्स में फिग ले सकते हो, अंजीर, डेट्स ले सकते हो, और कुछ मत करो, आप बस स्वीट छोड़ के देखो, ठीक है? एंड जितना हो सके 30 मिनट्स की वॉक एंड 30 मिनट्स की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आप करनी शुरू करो सिर्फ, ठीक है? बाकी आप प्रॉपर जो खा रहे हो वही खाइए, क्योंकि मैं आपको ये एडवाइस नहीं करूँगी कि आप फॉर अ टाइम बीइंग अपना खाना पीना छोड़ दीजिए। हेल्दी खाइए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सैलड खाइए, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स खाइए, ठीक है? अपने अपने आपका पेट ना भर के रखिए, खाली पेट मत रहना। खाली पेट रहने से एनर्जी लूज होती है, ना कि वेट लूज होता है, ठीक है? ना ही फैट लूज होगा, ना ही वेट लूज होगा, सिर्फ एनर्जी लूज होगी भूखे रहने से। तो एज मच एज अपने आप को फुलफिल रखिए, प्लस हेल्दी खाइए, ठीक है? हर 2 या 3 घंटे के गैप में कुछ ना कुछ खाते रहिए, बट वो कुछ ना कुछ अच्छा होना चाहिए। जंक फूड, चिप्स, बिस्किट्स, चाय, पकौड़े, ये सब नहीं होना चाहिए, ठीक है? नो शुगर, नो रिफाइंड शुगर, मैंने आपको कल वाले सेशन में बताया था, वो सब चीज़ें अवॉइड करना। एंड आज भी हम 2 बजे एक सेशन रखेंगे, जिसमें मैं कुछ बातों पे आज भी बात करने वाली हूँ। मैं स्टोरी डाल दूँगी, आप लोग वहाँ ज्वाइन कर सकते हो, कुछ क्वेश्चन हो तो आप वहाँ भी पूछ सकते हो। आई होप राधिका मैंने थोड़ा बहुत आपकी हेल्प करी हो आपको आंसर करने के लिए। 1 जुलाई से मैं सेशन कर रही हूँ, बट मुझे मानसून के हालात देखते हुए ऐसा लग रहा है कि सुबह 6 बजे का सेशन मैं कर नहीं पाऊँगी, जस्ट बिकॉज यहाँ पे लाइट की बहुत ज़्यादा दिक्कत है एंड आई डोंट हैव दी बैकअप, तो अंधेरे में फिर कैसे होगा। तो लेट मी सी कि मैं उसको थोड़ा लेट करूँ, एंड थोड़े लेट में फिर मुझे लगता है मुझे शाम को करना होगा, क्योंकि यहाँ पे ना ऐसे ही है सीन लाइट का। तो आई थिंक मुझे जो मैं प्रेफर कर रही हूँ अकॉर्डिंग टू दी मैनेजमेंट, हम लोग 4 बजे का सेशन कर सकते हैं शाम को हर रोज़। थैंक यू सो मच फॉर दोज ग्रीन हार्ट्स, आई लव ग्रीन, खासकर ये नियॉन वाला ग्रीन। ओके, लेट्स स्टार्ट दी सेकेंड एक्सरसाइज। बैठ के ही करेंगे हम वो एक्सरसाइज भी। करेंगे रिस्ट कर्ल, जो कि बेंच पे बैठ के होगी। फर्स्ट हमारी अप होगी, देन हमारी डाउन होगी। दोनों हाथों में डंबल ले लेंगे एंड लाइक दिस हमारे हैंड्स होंगे, बैक हमारी स्ट्रेट होगी। ओके, लाइक दिस। फोन दोबारा सेट कर लेते हैं, 4 बजे सही रहेगा, ठीक है? शाम को 4 बजे का ही करते हैं, क्योंकि उस टाइम पे अगर लाइट भी नहीं होगी ना, तो मैं एटलीस्ट अपनी बालकनी का गेट खोल के वहां पे सेटअप लगा सकती हूँ, या फिर शाम को तो हम लाइट भी नहीं होगी ना, तो सुबह शाम को हम छत पे भी कर सकते हैं, बट सुबह सुबह छत पे हो नहीं पाएगा, क्योंकि हो सकता है बारिश हो रही हो, तो फिर कैसे होगा। ओके, ये आपकी पोजीशन रहेगी हाथों की। ओके, सबसे पहले आपको अप वाला करना है, तो आप अपने हैंड्स को रोटेट कर लीजिए, बैक स्ट्रेट रहेगी। बैक को आपको ऐसे स्लाउच नहीं करना, मतलब इस तरीके से नहीं बैठना है, एकदम स्ट्रेट। ओके, नाउ स्टार्ट। आपको ये 15x4 करने हैं, इन 1 2 3 गो, डाउन अप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ओके, नाउ रोटेट कर लीजिए, इन दोनों एक्सरसाइज को एक साथ खत्म करेंगे, इन 1 2 and 3 गो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Okay, let's wait. One repetition for each for two exercises is completed. Now the second one we will pursue.
like this, your hands back straight, leg straight, 90 degree. Start. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Okay, now down wala hands will be like this, like this. Okay, start. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Okay, two repetitions done for each, two more for each. Let's start the third repetition. Up wale curls karenge. Start karte hain. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Okay, अब down वाले curls करेंगे like this, your hands. जो आपके hands है ना वो आपके बिल्कुल parallel तो नहीं होंगे, मतलब आपके जिस तरीके से ये पैर जा रहे हैं ना इसी तरीके से इसी एंगल में आपके पैर होने चाहिए. मतलब अगर आप ऐसे रखोगे ना तो समझ नहीं आएगा. आप ना इस तरीके से ही रखो जिस एंगल में आपके पैर जा रहे हैं, लाइक दिस. ओके, स्टार्ट करते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. ओके, यहाँ पर पेन शुरू हो जाता है, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा वो, धीरे धीरे जब हमें आदत हो जाएगी ना तो वो ठीक हो जाता है. ओके, इट्स द लास्ट रेपिटेशन फॉर बोथ एक्सरसाइजेस. स्टार्ट करते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Okay, last repetition for down curls. Start. In 1 2 and 3, go. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Okay, completed. So we have completed total 3 exercises. Now we have the fourth one, which is rotation. Rotation के लिए हम डंबल थोड़ा बड़ा लेकर आते हैं. हम इससे करेंगे रोटेशन हमारे 5 kg के डंबल से.
दिस साइड ऐसे बट मुंह बचा के ओके स्टार्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. नेक्स्ट करते हैं इस दिस पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 14, 15. Down. Two more left. Let's relax. जैसे कि मैंने आपको हमेशा बोला है रोज हमारी एनर्जी सेम नहीं होती, तो जैसा आपकी बॉडी रोज रिक्वायर करती है आप उसी तरीके के एक्सरसाइज कीजिए। अपने आप को अपने बीते हुए कल से कंपेयर करोगे तो हमेशा ऐसा लगेगा कि मैं ज़्यादा कर लूँ, लेकिन हर दिन सेम नहीं होता, हर दिन आपकी बॉडी सेम नहीं होती। तो जिस दिन आपकी बॉडी में ज़्यादा एनर्जी हो उस दिन ज़्यादा कीजिए, जिस दिन कम एनर्जी हो उस दिन उसी हिसाब से कीजिए। Start the third repetition. Up in 1, 2, and 3. Go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. लास्ट रेपिटेशन रहती है, स्टार्ट करेंगे, टेक 5 seconds ऑफ रेस्ट, 1, 2, 3, 4, and 5, लेट्स स्टार्ट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Okay. Now standing exercises. Let me set my camera. राधिका ये स्ट्रेच मार्क्स ना आपकी एक्सरसाइज करते करते ही जाएंगे। जैसे हमारी बॉडी में जहाँ पे फैट ऑलरेडी होता है लेकिन उसके बाद हमारा जो फैट बढ़ जाता है, जो एक नॉर्मल फैट होता है उसके अलावा जो एक्स्ट्रा फैट आ जाता है उसकी वजह से हमारी स्किन ना ओपन होनी शुरू हो जाती है। तो अगर स्पेस नहीं होता हमारी स्किन में ओपन होने का, वहाँ पे स्ट्रेच मार्क्स आ जाते हैं। ठीक है, हमारे इस एरिया में ऑलरेडी बहुत फैट होता है, हमारे इस एरिया में ऑलरेडी बहुत फैट होता है, हमारे इस एरिया में फैट होता है, प्लस हमारे थाइज एरिया में फैट ऑलरेडी होता है, लेकिन एक्सेसिव फैट की वजह से वो एक्स्ट्रा हो जाता है और स्किन उसको अपने अंदर नहीं ले सकती, इसलिए वो स्ट्रेच मार्क्स देना शुरू कर देते, क्योंकि वो कपड़े की तरह खिंचना शुरू हो जाती है। तो जैसे ही आप अपनी एक्सरसाइजेस कर करके अपनी बॉडी को दोबारा से श्रिंक करोगे, वो स्ट्रेच मार्क्स अपने आप धीरे धीरे जाना शुरू कर देंगे। ठीक है, बट मेक श्योर कि वो जब एक बार जा रहे हैं तो उनको उनके ऊपर काम करे रखो, ऐसा ना हो कि आपने एक बार उनको ठीक करा फिर दोबारा कर लिया तो उस तरीके से भी निशान बन जाते हैं। तो ये रेगुलर प्रोसेस है, अगर आपको फॉलो करना है तो आप उसे रेगुलर कीजिएगा। एक बार करने के बाद आप 6 महीने तक कुछ नहीं कर रहे हो तो उससे आपको बॉडी को ही असर पड़ेगा, क्योंकि हमारी बॉडी मूव होने के लिए बनी है, स्टेबल होने के लिए नहीं। ओके, लेट्स डू दी थर्ड एंड फिफ्थ एंड सिक्स्थ एक्सरसाइज टुगेदर। स्टैंडिंग पोजिशन पे होगी, ओके। सबसे पहले देखिए
यहाँ से पीछे से हम इस तरीके से ऊपर लेके जाते हैं एंड आगे आएंगे तो यहाँ से ऊपर लेके जाएंगे, ठीक है। तो एक बार हमारा ये मुड़ रहा है, ओके, एंड एक बार हमारा ये मुड़ रहा है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, टच नहीं करना है अपनी बॉडी से, लाइक दिस, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन। नाउ इधर से वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन। नेक्स्ट लाइक दिस, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन। फ्रंट, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन। टू रेपिटेशंस डन। नाउ थर्ड वन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन। नाउ फ्रंट, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन। ओके, द लास्ट रेपिटेशन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन। फ्रंट, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन। ओके गाइज, लेट्स रेस्ट। वी हैव द लास्ट एक्सरसाइज लेफ्ट विच इज द ग्रिप कर्ल्स। ओके, रिवर्स ग्रिप कर्ल्स स्टैंडिंग पोजिशन पे, एंड वो हम दोनों साथ में करेंगे, तो 15 इंटू 4 करने हैं। सीमा जी, आपने मुझे रिक्वेस्ट भेजी है, हेलो, आप लाइव पे आना चाहते हो? मैं यहाँ पे तो आपको लाइव पे नहीं ले सकती, बट 2 o'clock मैं एक सेशन रखूँगी, ठीक है, उसमें हम चेस्ट, सॉरी, चिट चैट वगैरह करेंगे, नॉट चेस्ट की एक्सरसाइज, आई वॉज अबाउट टू से माई चेस्ट की एक्सरसाइज, बट नो, सो हम उसमें चिट चैट करेंगे। ओके, मैं अच्छी हूँ सीमा, आप बताइए, एंड आप उसमें चाहो तो मेरे साथ लाइव पे आ सकते हो। इफ़ यू वॉन्ट टू टॉक टू मी, आप लाइव पे आकर 2 o'clock मेरे से बात कर सकते हो। मैं 2 o'clock एक सेशन रखूंगी, टॉपिक मैं लिख दूंगी किस टॉपिक के ऊपर बात होगी, ठीक है। लेट्स स्टार्ट द लास्ट एक्सरसाइज फॉर द डे। ओके, इन वन टू एंड थ्री गो, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन। डन। नेक्स्ट रेपिटेशन, 3 more repetitions लेफ्ट, इन वन टू एंड थ्री गो, वन टू थ्री फोर फाइव
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 2 more repetitions. Hello Rama Soni, hello Kajal Agrawal. Okay, let's do the third exercise, third repetition for the same exercise in 1, 2 and 3, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Okay, let's do the last repetition. कार्डियो लेफ्ट फॉर टुडे, हम कार्डियो करते हैं. हेलो कल्पना. ओके, लेट्स डू दी टाइनी ट्विस्ट. 50 guys. So we are back. Yeah. This will be your position. Now start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Relax. Okay. So thank you so much for watching, whosoever has watched. So I hope आप लोग अपनी fitness journey को अब तक शुरू कर चुके हो और थोड़ा बहुत असर आपकी diet में भी दिखा हो. ठीक है, हम 2 बजे मिलते हैं हमारे live session चिट चैट ऑन फिटनेस पे. ओके, बाय बाय.